हजरत इमाम हसन बसरी जो के ताबीन के सिरदार और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला के शागिर्द हैं, चूँकि सहाबा के लिहाज से आज से कई साल पहले इस मकाम पर मैं वो अहादीस पढ़ चुका हूँ कि किस अंदाज में सहाबा रजी अल्लाह तआला महफिल मिलाद का इनेकाद करते थे। तो ये मैं ताबीन के लिहाज से बता रहा हूँ कि हजरत हसन बसरी का ये कौल है और मेरी जो सनद है उलूमे दीनिया पढ़ाने की, वो सनद जो बगदाद शरीफ से मुझे शेख अब्दुल करीम मोहम्मद अल मुदरिस अल बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि से मिली, उस सनद में सबसे आखिर में जाकर मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पहले हजरत हसन बसरी का नाम आता है और फिर इनके जरिए हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तक वो सनद और फिर आगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। तो हजरत हसन बसरी हाशिया याना तो तालिबीन के अंदर इसको खुसूसी तौर पर जिल्द नंबर 3 में सफा नंबर 415 पर बयान किया गया है। वदित्तु लौकान अली मिस्लु उहदिन ज़हबा, कि मुझे ये पसंद है कि अगर मेरे पास उहद पहाड़ जितना सोना हो लअनफ़क़्तुहु अला क़िराअति मौलिदिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो पहाड़ जितना सोना भी मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिले मिलाद पर खर्च कर डालूं। इन लोगों का ख्याल है शायद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने बरेली शरीफ से ये काम शुरू किया, आपने यकीनन इसकी तशहीर फरमाई, लेकिन ये काम तो सहाबा से शुरू हुआ। अब ताबीन में हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी इस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वदित्तु मुवद्दत गहरी मोहब्बत को कहा जाता है। वदित्तु लौकान अली मिस्लु जाबाल उहदिन ज़हबा लअनफ़क़्तुहु अला क़िराअति मौलिदिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद शरीफ की क़िराअत पर कि जिसमें जिक्र हो सरकार की जलवागरी का, उस महफिल के एहतमाम पर मैं अगर उहद पहाड़ जितना भी मेरे पास सोना हो तो सारे का सारा इस अमल के लिए मैं खर्च कर डालूं। ऐसे ही हजरत मारूफ करखी क़ुद्दस सिर अज़ीज़ का फरमान, बगदाद शरीफ में 2 महल्ले हैं, यानी दिजला के एक तरफ जानबे रोसाफा है और दूसरी तरफ जानबे करख है, और करख वाली जानब में हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। और ये मारूफ करखी जो है ये भी अव्वलीन औलिया किराम में से हैं और वो मेरी बगदाद शरीफ वाली सनद है, उसके अंदर हजरत मारूफ करखी का भी नाम आता है। तो हम जिनकी दलील पेश कर रहे हैं उन तक हमारा सनद के जरिए भी राबता है, यानी हजरत शेख अब्दुल करीम मोहम्मद मुदरिस अल बगदादी, उनके उस्ताद, इस तरह चलते चलते इसी सनद में हजरत जुनैद बगदादी का जिक्र आता है, हजरत सिरी सक़्ती का जिक्र आता है, हजरत मारूफ करखी का जिक्र आता है और उनसे ऊपर पर हजरत हसन बसरी का जिक्र आता है। तो हजरत सिरी सक़्ती जो है वो हजरत मारूफ करखी का ये फरमान है, मन हय्या ले आजा ले क़िराअत मौलिदिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामा, कि जिस शख्स ने महफिल मिलाद मुनक्कद करने के लिए खाना तैयार किया व जमा इखवाना और अपने दोस्तों भाइयों को इकट्ठा कर लिया व औक़दा सिराजा और चिराग रोशन कर लिए, क्योंकि ये उस वक़्त की बात है जब अभी बिजली का कोई तस्वुर नहीं था, लेकिन जो कुछ महफिल मिलाद में किया जाता है वो सब कुछ उन्होंने जिक्र किया। ये अभी शर्त जिक्र हो रही है कि जिसने ये किया, जिसने ये किया, जिसने ये किया उसे क्या मिलेगा, ये आगे इसकी जजा में आएगा। मन हैया ले आजा ले किरात मौलिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताम के जिसने लंगर पकाया, वह जामा इखवाना और दोस्तों को इकट्ठा कर लिया, वह औकदा सिराजा और चरागा कर लिया, वह लाबिस जदीदा और नए कपड़े पहन लिए, वह ताअत्तरा और उसने खुशबू लगाई, वह तजम्मला और उसने जीनत इख्तियार की। ये सब कुछ क्यों किया? आगे उसका मफ़ऊल लहू जिक्र है, गायत कि ऐसा क्यों किया। एक है कोई नए कपड़े पहने रियाकारी के लिए, तकब्बुर के लिए। एक है कोई खुशबू लगाए, तकब्बुर के लिए। एक है कोई खाना पकाए, तकब्बुर के लिए। इन्होंने कहा कि नहीं, जितनी चीजों का मैंने जिक्र किया इन सब की बुनियाद क्या हो? कहते हैं ताज़ीमन लिमौलिदिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन सारे कामों का मकसद सरकार की आमद की ताज़ीम था। ताज़ीम का माना होता है किसी की बड़ाई को बयान करना। यानी ये चिराग जला के बता रहा था कि ये रात आम रात नहीं, सरकार के आने की रात है, या सरकार की विलादत के जिक्र का इहतमाम है। नए कपड़े इसलिए पहने हैं, खुशबू इसलिए लगाई है, और इसलिए दोस्तों को इकट्ठा किया है, लंगर इसलिए पकाया है। सारी चीजों का मकसद ताज़ीमन लिमौलिदिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर ऐसे शख्स को क्या मिलेगा? हजरत हसन बसरी कहते हैं, हजरत मारूफ करखी, हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअल फ़िरक़तिल ऊला मिनन नबिय्यीन के क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल ऐसे शख्स को नबियों की संगत अता फरमाएगा। वकान फ़ी आला इल्लिय्यीन और उसका जन्नत का मकाम नॉर्मल सा मकाम नहीं होगा, हालांकि नॉर्मल जन्नत भी बड़ी कीमती है। मौदु सौति मिनल जन्ना खैरु मिनद दुनिया व मा फीहा, एक छड़ी कोड़ा जितना होता है वो जहां जन्नत में रखें, इतनी जन्नत की कीमत भी पूरी दुनिया से ज्यादा है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ऐसे लोगों को अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब अता फरमाएगा कि जब वो चाहेंगे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का दीदार कर सकेंगे। अब ये जिस दर्जे में हम बयान कर रहे हैं उसको पेश नजर रखना चाहिए। यानी ये फरमाने रसूल अलैहि सलाम नहीं, फरमाने सहाबा नहीं, लेकिन जिनका फरमान है उस अहद का कोई दूसरा इस कद का बंदा मुनकिरीन ने मिलाद ढूंढ के ले आए कि जो उस जमाने में हमारे मसलक के खिलाफ कोई अकीदा रखता हो और महफिल मिलाद को बिदअत कहता हो और महफिल मिलाद का इनकार करता हो, या कोई इनके हिस्से का कोई बुजुर्ग हो। यानी जिस जमाने में हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह महफिल मिलाद के इस एहतमाम की फजीलत बयान कर रहे थे, अभी इस टोले का नामो निशान भी नहीं था जो आज मिलाद का इनकार कर रहे हैं, इनके बड़ों का भी निशान नहीं था। तो उस जमाने में हजरत मारूफ करखी रहमहुल्लाह ताला, हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की इस महफिल का उन्वान कायम किए हुए थे। आज इन लोगों की धांधली तो ये है कि शायद सदी, डेढ़ सदी, दो सदी, चार सदी से पहले इस नाम का कोई जलसा ही नहीं होता था, जबकि हम हजरत मारूफ करखी से साबित कर रहे हैं, हजरत हसन बसरी जो ताबी हैं उनसे साबित कर रहे हैं